जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है शरीर के तिल। जानेंगे शरीर के ऐसे कौन से हिस्से का तिल होना आपके लिए होता है शुभ, और जानेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो कि बेहद ही बुद्धिमान और धनवान हो सकते हैं अगर उनके शरीर में इस जगह है ये तिल। तो जुड़े रहिए हमारी इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक, जानते हैं शरीर के कौन से हिस्से पर तिल होना होता है शुभ। मित्रों, शरीर पर तिल के आधार पर किसी के स्वभाव और भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। आपके शरीर पर कहां पर तिल है इससे शुभ और अशुभ संकेतों का भी पता चलता है। समुद्र शास्त्र में तिलों का मतलब बताया जाता है। ऐसे में जानिए शरीर के अलग अलग जगहों पर तिल होने का मतलब क्या है। शरीर के विभिन्न भागों पर तिल होने का अलग अलग मतलब बताया जाता है। शरीर पर तिल व्यक्ति के जीवन भाग्य और स्वभाव के बारे में भी संकेत देते हैं। वैसे तो शरीर पर तिल होना आम बात है। कई तिल तो शरीर में जन्म से होते हैं, लेकिन कई तिल ऐसे भी होते हैं जो कि बाद में खो जाते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार शरीर में अलग अलग जगह पर तिल होने का क्या मतलब है, आइए जानें। हालांकि जगह के साथ साथ तिल का रंग, आकार, स्वभाव और भविष्य के बारे में अलग अलग संकेत देता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के नाक पर तिल है तो वह व्यक्ति को धनवान और सफल बनाता है, लेकिन यदि तिल काला और बड़ा है तो वह व्यक्ति को आलसी और लापरवाह भी बना सकता है। भौहों के बीच में तिल। समुद्र शास्त्र के अनुसार दोनों भौहों के बीच में तिल होने पर व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। ऐसे लोग अपने हर काम में सफलता प्राप्त करते हैं। वह व्यक्ति को व्यवहार कुशल और प्रभावशाली बनाता है। आंख के आसपास तिल। समुद्र शास्त्र के अनुसार बाईं आंख के ठीक नीचे तिल वाले लोग दिमाग के बहुत तेज होते हैं। ऐसे लोग मुश्किलों से सामना करके बहुत सफल होते हैं। माथे के बीच में तिल। ऐसे लोग बुद्धिमान, भाग्यशाली और सफल होते हैं। नाक पर तिल। जिन लोगों के नाक पर तिल होता है वो धनवान, सुखी और सम्मानित होते हैं। गालों पर तिल। गालों पर तिल होने का मतलब समुद्र शास्त्र में सुखी होने को बताया गया है। हथेली पर तिल। ऐसा तिल व्यक्ति को धनवान, भाग्यशाली और सफल बनाता है। तिल के आकार का भी महत्व। मित्रों, तिल के आकार का भी बड़ा महत्व होता है। सिर पर दाईं ओर तिल हो तो व्यक्ति को ऐश्वर्य, सुख और भाग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो किसी भी व्यक्ति के शरीर पर 12 से ज्यादा तिल होना अच्छा नहीं माना जाता है। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी जो हम आपके लिए लेकर आए, जो कि थी तिल से संबंधित। आपने जाना शरीर के कौन से हिस्से पर तिल होना आपके लिए शुभ और फलदायी हो सकता है। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।